हाय एंड्रू, तू तैयार है ना शहंशाह बनने के लिए? हाँ, तू तो कमाल कर देगा। असल में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एंड्रू, अभी तुझे डरना नहीं है, लड़ना है मेरे दोस्त। सच में? और क्या, यही तो तेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। मर्द बन, अपने मॉम डैड का सिर ऊंचा कर दे बेटा। क्या ये मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जरा सोच कितना जोश आएगा तेरे अंदर जब तू डर को हराकर स्टेज पे खड़ा होगा। मैं करूँगा, एक शहंशाह जैसे। क्या कहा तूने? मैं करूँगा। तू करेगा? हाँ तू करेगा। मुझे नहीं लगता सुजन तुझे ऑडिशन भी करना चाहिए, वो रोल तो मेरा है, मैं तो कमाल ही हूँ। ओह नो, वो रोल तो मार्गरेट को ही मिलेगा। तू टेंशन मत ले, उसे नहीं मिलेगा क्योंकि हम तुझे बनाने वाले हैं स्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आपके सामने टीम एंड्रू। फुर्तीला एल। हाँ हेनरी, मैं उसे चुस्त तंदुरुस्त बना दूंगा। होशियार ब्रायन। मैं तुम्हें ऑडिशन के डायलॉग याद करने में मदद करूंगा। और पेटू ग्राम। ताकत के लिए खाना जरूरी है। और बुद्धू बर्ट। बर्ट, तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत? ऐसा क्यों? एक, दो, तीन, साढ़े तीन, चार। वेरी गुड एंड्रू, ये सोच की आल तेरा दुश्मन है। शाबाश एंड्रू, टाइम है एक सैंडविच खाने का। ऊप्स, सॉरी। अब हम तुम्हारे लिए ऑडिशन के लाइंस चुनेंगे। तुम्हें कैसा चाहिए, एकदम गुस्से वाला या सीधा साधा? मुझे कुछ नहीं मालूम, प्लीज कुछ इजी दे दो। ये मिल गया। शहंशाह कहता है कि जीत सिर्फ हमारी होगी, सिर्फ हमारी। थर्ड पेज पे है। लो और जल्दी बाय हार्ट कर लो। अब तक तो याद हो ही गया होगा ना? बहुत अच्छे, यहाँ दे। चलो एंड्रू, अब खड़े हो जाओ। ठीक है। ऐसे नहीं एंड्रू, एक हीरो के जैसे खड़े हो जाओ, ऐसे। ऐसा क्या? और शुरू करो। जीत सिर्फ हमारी होगी दोस्तों, काजर के ऊपर नहीं, लड़की के ऊपर, वो झाड़ू के ऊपर नहीं, नहीं पेड़ के ऊपर। अरे नहीं, मैं ये सब कभी याद नहीं रख सकता। ऐसे कोई पेड़ के बारे में सोचो जिसने टी शर्ट पहनी हो, जैसे मेरा। ठीक है। और याद रखो तुम एक हीरो हो। हम लड़ेंगे उनसे पेड़ के ऊपर, हम लड़ेंगे उनसे पेड़ के ऊपर। बहुत अच्छे एंड्रू, ये हुई ना बात। क्या सच में? अब बस तेरे लिए एक कॉस्ट्यूम बनाना पड़ेगा और फिर तू तैयार। शहंशाह तशरीफ ला रहे हैं। मैं बिल्कुल रानी जैसे दिख रही हूँ। अब एकदम बिना डरे जोर से बोलना और याद रख पेड़ के ऊपर। कोशिश करूँगा। नेक्स्ट। मुझे ये नहीं करना है। नेक्स्ट। ओह बट वेरी गुड, तुम भी ये रोल करने को मांगता? ऐसा क्यों? नेक्स्ट। अब देखो गंदा ऑडिशन कैसे देते हैं। हेनरी प्यारा बच्चा, इधर देखो, हम तुमको देखने को मांगता। सॉरी। एकदम बराबर, अब शुरू करो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे स्टूडेंट लगते हैं, नाम है हेनरी। जोर से बोलो हेनरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऊप्स, सॉरी। नेक्स्ट।
हम लड़ेंगे उनसे पेड़ के ऊपर, हम लड़ेंगे उनसे पहाड़ों पर, और हम आजाद करेंगे सुंदर परियों को, और हम कभी 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 भी नहीं हारेंगे। क्या बात है, क्या बात है मैन, बहुत अच्छे एंड्रू। मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम थक गए हो ना सैमी? ये थक गया होगा। थैंक यू मेरे दोस्त, मेरे सिर अभी थोड़ी ठीक है जी। यबी, तो चलो चेस खेलते हैं। थोड़ी देर बाद के लिए प्यारे पीटर, पहले मुझे एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा प्लीज। मैं जाता हूँ ना, आपकी ड्रिंक लाने में मुझे बहुत खुशी होगी। ओह यस, ड्रिंक चाहिए मेहमान को। इस ड्रिंक को तू कभी नहीं भूल पाएगा, ढूंढी सैमी। ये रही तेरी ड्रिंक सैमी, सबसे अच्छी ड्रिंक। इसमें क्या होता जी? ये स्पेशल कोल्ड ड्रिंक है सैमी के लिए। इसमें क्या डाला जी? ये सरप्राइज है। अयो, थैंक यू हेनरी। अब फटेगा तू सैमी। ओ अम्मा, आपके लिए। शुक्रिया। ओ नो, हेनरी, ये ढोंगी मुझे मेरे घर में नहीं हरा सकता, दिखा दूंगा उसे। तूने अभी तक हेनरी का असली रूप देखा ही कहाँ है? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, क्रीम केक, हेनरी। हो गया, अब इन सारे कपड़ों को ऊपर की अलमारी में जाकर रखो। हाँ मॉम। हेलो हेनरी, हम सोचता तुमको हमारा मदद चाहिए क्या? नहीं शुक्रिया। ये लो। थैंक्स। कोई बात नहीं जी। एक मिनट, हम कुछ भूल गया, ये नीचे गिर था, हम इसको ऊपर रख देता। ये लो। नहीं रुको। ओके। हेनरी, हमको माफ करना, हम तुमको फिर से पैसा दिया, पर एक चीज हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो वो क्या है? हमने तुम्हारा रूम साफ कर दिया। तुमने क्या किया? मेरे सपनों में भी जीतता है। इस घर में बॉस कौन है ये तुझे अभी दिखाता हूँ। यार इसने मेरे कॉमिक्स भी अच्छे से ऑर्डर में रख दिए हैं। बस अब बहुत हुआ, हैंडी बेटा लग जा काम पे। खुद को बहुत शाना समझता है ढोंगी सामी, देखते हैं तू यहाँ क्यों आया। तू क्या देख रहा है लल्लू? हेनरी, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुझे इसे क्या लेना देना कीड़े? मैं तो सैमी को अपना स्टैम्प कलेक्शन दिखाने वाला हूँ। वो कहाँ है? क्या कहाँ है? मेरा स्टैम्प कलेक्शन गायब है मामा। शायद कोई परीवरी ले गई होगी। मामा, हेनरी ने मेरे स्टैम्प्स ले। मैं क्यों लूंगा तुम्हारे स्टैम्प सा, बोल। और तुम उस खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? ए, मैं नहीं खेल रहा, ये लो। आओ, कितना भारी है।
अरे ये क्या है? यही तो है मेरा स्टैम्प कलेक्शन, तुमने लिया था ना हेनरी? मैंने नहीं लिया, वो उसमें था। तो इसका मतलब मेरा स्टैम्प कलेक्शन चुराने वाला सैमी था। पर वो मेरा स्टैम्प कलेक्शन क्यों चुराएगा? एक दो तीन चार, एक क्यों ना उसे ही पूछ ले हम। साथ में आना चाहोगे फैंग? फ्यू, बाय बाय बच्चा। मैं मम्मी हमेशा सारी अच्छी चीजें पीछे छुपाती है। जरा यहाँ देखें, ये हुई ना बात। गिगली टॉफी, सबसे बेस्ट टॉफी। अब इतनी अच्छी है तो खाना ही पड़ेगा, क्यों है ना फैंग? तुम क्या चौकीदार की तरह खड़ी हो फ्लफी? हेनरी, तुम नीचे हो? उप्स, चलो भागे। हेनरी, कमरे में वापस जाओ अभी। हाँ मम्मी। हेनरी, हेनरी नीचे आओ अभी के अभी। हेनरी, मामा ने कहा। मैं बहरा नहीं हूँ लंगूर। मामा कह रही है तुमने सारी टॉफीज खा ली। क्या, मैंने सारी नहीं खाई थी? हाँ, तो इसका मतलब तुमने कुछ तो खाई है हेनरी। पर अब एक भी नहीं बची है और इसका मतलब है तुम तो गए हेनरी। मामा को खाली पैकेट आज सुबह टेबल पर पड़ा मिला। कल रात हमने सारी नहीं खाई, खाई क्या? हेनरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सिर्फ पैकेट खोला, किसी ने मेरी सारी गिगली टॉफीज खा ली हैं और ये कौन हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी गिगली टॉफीज? हाँ हेनरी, मेरी गिगली टॉफीज। मैं सिर्फ यही टॉफीज खाती हूँ और इसीलिए मैंने इन्हें अलमारी में पीछे छिपा कर रखा था। और अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरी गिगली टॉफीज खाते हुए पकड़ा तो ठीक है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब जाओ और तैयार हो जाओ हेनरी। और एक और बात है फैंग, पीटर ने कहा मम्मी को खाली पैकेट टेबल पर मिला, पर हमने तो खाली पैकेट टेबल पर नहीं छोड़ा था क्या? तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद किसी और ने सारी गिगली टॉफीज खा ली, और मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। फ्लफी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? हेनरी कह रहा है कि फ्लफी ने आपकी सारी गिगली टॉफीज खाई। तुम एक बेचारी मासूम बिल्ली पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो हेनरी? चॉकलेट खाओ तुम और नाम लगाओ इसका। पर अपने रूम में जाओ हेनरी, इसी बार। डिटेक्टिव हेनरी हाजिर है आपके लिए। टाइम आधी रात को। जगह किचन। मिशन गिगली टॉफी चोर को पकड़ना, मतलब फ्लफी को। बच गया। हेनरी, नीचे आओ, तुरंत। पर मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम यहाँ आधी रात को नहीं आए थे?
नहीं, हाँ नहीं। तो ये यहाँ खुद चल कर आ गए? ओहो यार, हाँ मैं आधी रात को यहाँ आया था पर। अपने कमरे में जाओ इसी वक्त और पर... बाहर मत निकलना। फ्लफी, ये कहीं और जाकर नहीं कर सकती तुम। फ्लफी भागो यहाँ से। फ्लफी को अकेला छोड़ दो हेनरी। It's so easy being me, I'm Henry. हाँ, अब ठीक है, सब तैयार है, क्लैप बोर्ड ले आओ। ये तो मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आया। टेक वन। ओके, थैंक यू एंड्रू, तुम अब हट सकते हो एंड्रू। जरूर। और एक्शन। हेनरी। हाँ बोलो, क्या हुआ एल? शायद हम सब ठीक से दिखेंगे नहीं। ऑफ कोर्स हम ठीक से नहीं दिखेंगे एल, क्योंकि कैमरा के सामने पेपर रखा है। पर तुमने कैमरा के सामने पेपर क्यों रखा है हेनरी? ये एक स्पेशल इफेक्ट के लिए है, इससे हमारा वीडियो और अच्छा बनेगा, समझे क्या तुम? जरा तुम बताओगे हेनरी कि ये कैसे होगा? कुछ नहीं दिखेगा हेनरी। चलो वीडियो शूट करते हैं। मुझे जाना होगा। टेक टू। एक्शन। 1, 2, 3, 4। अब क्या हुआ राल्फ? क्या इस गाने का नाम है? हाँ हाँ, नाम है ना, इसका नाम है गाना। गाना? क्या ये गाने का नाम है हेनरी? इसका नाम है गाना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स ये ठीक लग रहा है राल्फ। नहीं लग रहा है, अच्छा नाम होना चाहिए, जैसे कि थ्रैश हॉर्नेट्स या फिर एग्स ऑन द ब्रेन। हाँ, पीज इन अ पॉड। हाँ, पीज इन अ पॉड, बहुत ही अच्छा नाम है। ये भी तो है गाना, एक कमाल का गाना। हाँ, पर एक अच्छा नाम देना होगा। अच्छा नाम तो दिया है, नाम है गाना। सही कह रहा है ये। मामा ने कहा कि मैं वीडियो में रह सकता हूँ। ऐसा कहा क्या? हाँ, और तुमने गंदे बच्चे चले जाओ कहा, तो फिर वो यहाँ आएंगी और सबको घर भेज देंगी और फिर कोई वीडियो नहीं बनेगा, समझे तुम हेनरी? सच्ची? हाँ। तुम मेरे वीडियो में रह सकते हो। रूपी। रूतलू गंदा बच्चा। तो तुम क्लब बॉय हो। पर मैं... अरे वाह, मैं बेस्ट क्लैप बोर्ड बॉय बनूंगा, देखना तुम हेनरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेवकूफ बच्चा एंड्रू, इस चमचे को, मेरा मतलब पीटर को क्लैप बोर्ड दे दो। पर मैं, पर वर कुछ नहीं, क्लैप बोर्ड प्लीज। यानी अब मैं वीडियो में नहीं हूँ। सभी वीडियो में क्यों आना चाहते हैं, क्यों? ये लो, तुम अब से स्पेशल इफेक्ट पकड़ोगे। तो गाना, टेक थ्री, एक्शन। तुम्हें क्या चाहिए पागल लड़की? तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, है ना हेनरी? नहीं, अब यहाँ से चली जाओ चिपकली। वर्ट, क्या तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो? ऐसा क्यों? सुना, उसने कहा नहीं। उसने कहा पता नहीं, इसका मतलब है हाँ। पर मैंने कहा नहीं, तो उसका मतलब है नहीं। तुम ये नहीं कर सकते हेनरी, अगर तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो तो मैं उसमें रहूंगी, समझ गए? हेनरी, तो हम कहाँ थे? गाना, टेक फोर, एक्शन। उसने मुझसे ऐसा कहा, फिर मैंने उसको जवाब दिया और फिर। पहले अंदर आ जाओ बेटी। हेनरी। क्या? मार्गरेट आई है और वो गुस्से में लग रही है। तो क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। और तुम अंधेरे में क्यों खेल रहे हो? तो हेनरी, अंधेरे में क्या कर रहे हो?
क्योंकि हम तुमसे बचने की कोशिश कर रहे थे। उप्स, सॉरी हेनरी। मैं तुम्हारे म्यूजिक वीडियो में जरूर रहूंगी हेनरी, तुम मानो या ना मानो। आओ ये रोना धोना बंद करो। लो ये लो। टेक पर। तुम म्यूजिक वीडियो बना रहे हो बेटा? कोशिश तो कर रहा हूँ। मैं भी रह सकती हूँ? फ्लफी वफी भी इस वीडियो में आना चाहती है, क्यों है ना फ्लफी वफी? ठीक है, तुम सब मेरे म्यूजिक वीडियो में रह सकते।